अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने सुबह के ग्यारह बजे से शुरू की थी। मॉर्निंग में ही मैंने ना पाया बाहर निकाल कर रख दी थी, जो कि बर्फ़ बना हुआ था, पिघल गया है। अब इसे ना वॉश कर लेते हैं। वैसे तो इसे मैंने क्लीन पहले ही करके रख दी थी, जो छाटना आटना रहता है ना, वो मैंने सेकेंड डे ईद के जब मैं आई थी तो जब पाया आया तो उसके ऊपर कचरे वगैरह लगे होते हैं ना, पूरा पाया एकदम काला काला होता है, तो वो सारा कट कट करके रख दी थी मैंने। अभी यहाँ पर क्लीन इसे ना आटे से करेंगे। तो इसके ऊपर जो छोटी छोटी लकड़ियाँ और हड्डी के छोटे छोटे जो टुकड़े लगे होते हैं, चिपके होते हैं, वो आटे से आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से लेकर रब करना है। तो जितने भी हड्डियाँ और लकड़ियाँ होगी ना, वो आटे को इस तरह से मस लेंगे तो वो चिपक कर निकल जाएंगी आटे में। इस तरह से बनाने के बाद है ना, बारीक बारीक हड्डियाँ वगैरह मुंह में नहीं आएंगी। तो सारे पीसेस को इसी तरह से अच्छे से ना रब कर कर के क्लीन करना है। पाए को मैंने अच्छे से यहाँ पर ना क्लीन कर ली हूँ। अब इसे ना वॉश करना है। जितना भी आटा वगैरह लगा है पहले तो वो निकाल देना है, उसके बाद अच्छे से पानी से धुल लेना है। गर्म पानी से भी इसे धुलते हैं, तो वैसे ही ये क्लीन हो गया। अगर क्लीन ना हो तो इसे गर्म पानी से भी धुला जाता है, ताकि जो पाए पे जो बाल वगैरह चिपके होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। पाए धुल गए हैं, अब इसे बना लेना है। तो पाया बनाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसे बस ना वॉश करने में, क्लीन करने में ही आती है। फर्स्ट टाइम मैंने ना अपने ससुराल में शादी के बाद धुली थी, तब ना मुझे किसी ने बताया ना कुछ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम धुली थी ना, तो मेरे इतने हाथ कटे थे ना पाए धुलने में। लेकिन जब खाने का शौक़ हो तो करना तो पड़ेगा ही। अब घर पर तो वहाँ पर अम्मी के हाथ का मिल जाता था, लेकिन ससुराल में खुद ही बनाना है और दूसरों को खिलाना है। जिनकी भी शादियां नहीं हुई है, वो पहले से ही सारी चीज़ें अगर सीख लेना तो ससुराल में कम दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहू किसी की होती है ना ही सास किसी की होती है, सिर्फ कहने की बात है। जब तक के बहुएं काम करती रहती है ना, तब तक ही अच्छी रहती हैं। काम करेंगे जब तक के लिए सबके लिए अच्छे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो सबके लिए बुरे हो जाएंगे। इसीलिए अपना अपना काम जो है ना शुरू से करते आएँ और करते रहेंगे तो सब अच्छे से रहेंगे ससुराल में। बहरहाल यहाँ पर देखिए पाए मैंने चढ़ा दी हूँ, और इसके अंदर ना 1 से 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाली हूँ। अब इसके अंदर हल्दी, नमक और कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। वैसे तो बाद में पिसे हुए मसाले जाएंगे, लेकिन अगर बॉईल करने के टाइम पे भी डाल देंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने खड़े मसालों में दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता ली हूँ, इसे ऐड कर दी हूँ। अब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीड लगाकर हाई फ्लेम पर 1-2 सीटी आने देंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसे 1.5 से 1 घंटा पकाना है, उससे कम नहीं। और इस समय एकदम एक ही बार में जब कुकर खोलेंगे ना, तो पूरा जो हड्डी और उसका गूदा है ना, एकदम अच्छे से गल जाएगा। हड्डी नहीं गलेगी, लेकिन जो गूदे वगैरह हैं वो गल जाएंगे, मतलब पक जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास ना गरम मसाला पाउडर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने सारे जो डब्बे में से सारे ही मसाले ले ली हूँ। इन्हें ग्राइंड कर लूँगी तो फ्रेश फ्रेश गरम मसाला बना लेती हूँ। जब मैं मनी प्लांट लेकर आई थी तो इससे छोटी ही डंडी रही होगी या फिर इतनी बड़ी रही होगी, वो मुझे प्लांट वाले ने दिया था, मैंने मांग कर लाई थी इससे पौधे जब खरीद रही थी। तो क्योंकि वो लोग मनी प्लांट जो रखे रहते ना 600-700 का ऐसे दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा मांग कर लेकर आ गई थी। उसे लगाई मैंने, माशाल्लाह से पूरा बड़ा हो गया था, ऊपर तक के गया था। फिर मैंने क्या कि कट कर कर के इसमें 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 2 फिर यहाँ पर सब में लगा दी। देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पर मनी प्लांट्स के पॉट्स हो गए हैं। माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है मनी प्लांट्स की, बाकियों की नहीं हो रही है लेकिन मनी प्लांट्स की हो रही है। और ये सारे प्लांट्स ना मैंने क्या की हूँ, बॉटलें जो मेरे पास वेस्ट थी ना, उसे कट कर करके उसके अंदर ही मैंने ना
लगा दी हूँ, क्योंकि हर प्लांट जो है ना कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, मर जाता है वो, फिर खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, कुछ भी होते हैं, जड़ नहीं पकड़ती है। इसी वजह से मैंने पहले रखी हूँ। अगर जिसकी जड़ें पकड़ लेती है, जो जी जाता है ना, फिर उसे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, वरना फिर बेकार है खरीद के लाना भी और रखना भी। और यहाँ पर देखिए पाए पहले ही गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं मसाले भून रही थी, तो ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता और डाली हूँ। उसके बाद प्याज को अच्छे से भून ली हूँ। अब प्याज ही थी वो, उसका कलर चेंज था, इसलिए मैंने उसमें पहले खड़े गरम मसाले पीसी थी, उसी के बाद मैंने ये प्याज भी पीस ली थी, इस वजह से उसका कलर ऐसा था। जब प्याज अच्छे से भून गई तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को पीस कर रखी थी, टमाटर ऐड कर दी हूँ, और साथ ही में जो पाउडर मसाले थे वो, साथ ही में हल्दी पाउडर, नमक और मिर्चियाँ वगैरह जो भी ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने टमाटर के साथ हरी मिर्ची भी थोड़ी सी पीसी हूँ, फिर भी अगर मिर्ची लगती है तो मैं लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले भून गए थे, अफीफा रो रही थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। पाए जो है ना मैं मसालों में डाल दी थी ताकि पाए भी थोड़े से मसालों के साथ भून जाए। अब यहाँ पे पाए और मसाले भून गए हैं, बस थोड़ा सा बाकी है। और क्या करेंगे फिर, जो इसका यखनी है जिसमें हमने पाए पकाए थे उसमें जो पानी निकला है वो भी ऐड कर देंगे, और जितना सालन चाहिए पाए का उतना ऊपर से पानी और ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे, उसके बाद धनिए से गार्निश करके डिश आउट कर लेंगे। इस रेसिपी की रिक्वेस्ट की है सैयद साबिर ने, तो यहाँ पर देखें आज मैं मूंग का चीले की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर एक प्याली मैंने मूंग की दाल ले ली हूँ, बिना छिलके वाली है, छिलके वाली बिना छिलके वाली कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से वॉश करके इसे रख देंगे भीगने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे तो मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है, जितना टाइम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पर ना अपना लंच के बाद भिगो रही हूँ, और कुछ हमारे यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो ना असर के बाद होता है, तब इसे मैं बनाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ना एक रील्स में देखी थी कि अगर इस तरह के जो ये सेरेमिक कप होते हैं या मग ना, उनमें अगर सुराख करनी हो तो हम अगर बाहर रखकर कुछ भी मारेंगे तो टूट जाएगा ना, तो पानी में रखकर। और फिर मैंने ना ये ली स्क्रू ड्राइवर, इस पर रखी और इससे मारी पकड़ से, तो माशाल्लाह से अच्छा एकदम सुराख हो गया है। मैं इसमें ना मनी प्लांट सोच रही थी डालने के लिए, मगर मैं बोली फिर नीचे से पानी नहीं निकलेगा तो ख़राब हो जाएगा, मगर ये अच्छा सा बन गया है। इस तरह से हम बड़े कप का भी बना सकते हैं। इन लोगों के साथ है ना मुझे उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी मैं ज़्यादा टेंशन में होती हूँ ना, तो यहाँ पर आकर मिट्टियों में कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ, प्लांट इधर उधर करने लग जाती हूँ, तो बहुत सुकून भी मिलता है और सारा स्ट्रेस जो है ना गायब हो जाता है। तो काफ़ी वक्त जो है मैं जब खाली होती हूँ, अकेले होती हूँ, तो प्लांट्स को इधर उधर करने लग जाती हूँ, मिट्टी को पलट कर मैं सिर्फ प्लास्टिक के चेंज करने लग जाती हूँ, पौधों को इधर उधर करने लग जाती हूँ, और ग्रोथ होने के लिए इनकी छोटी छोटी पॉट्स बनाना शुरू कर देती हूँ। इससे सुकून भी मिलता है और स्ट्रेस गायब हो जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास टेंशन ना हो, कोई कह नहीं सकता है कि मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं है, मेरे पास कोई भी टेंशन नहीं है किसी ना चीज़ का, किसी को किसका, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही होता है। तो वो अगर अपने आप को बिजी रखेगा ना तो टेंशन नहीं होगा, जितना फ्री इंसान होगा उतने ज़्यादा टेंशन, वसवसे, सारी चीज़ें ना उसी पर हावी होगी। बिजी इंसान के पास वक्त ही नहीं होता कि वो कुछ सोचे और कुछ करे, ना उससे कोई मतलब ऐसी चीज़ होगी जो कि उसे बाद में पछताना पड़े। जो खाली इंसान बैठा होता है तो खाली की बकबक, और खाली किसी से बकबक करने में कोई ऐसी बात हो जाती है जो ऐसा लगता है कि नहीं कहना चाहिए लेकिन हमने कह दिए, बाद में पछतावा भी होता है। तो अपने आप को अपने घर के कामों में या फिर ऐसी चीज़ों में तिलावत करने में बिजी रखे कि हर चीज़ से महफूज रहे, टेंशन से भी और फिजूल की गीबत वगैरह से भी।
तो चले आप, टाइम हो गया है यहाँ पर ना नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल का पानी निकाल दी हूँ और 3 हरी मिर्चियाँ ली हूँ, छोटा सा अदरक का टुकड़ा ली हूँ और इसके अंदर दाल ऐड करके पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी लगेगा तो थोड़ा सा पानी भी हम डाल लेंगे, बस ये इसका फाइन पेस्ट बन जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाली हूँ। आप लोग चाहे तो साबित जीरा भी डाल सकते हैं, मसाले में हो सकता है वो दाल में पीस जाए, मैंने पाउडर डाली हूँ। अभी इसे हम निकाल लेंगे। दाल देखिए एकदम फाइन पेस्ट बन गया है दाल का। जार में थोड़ा सा दाल लगा हुआ था तो उसका पानी भी मैंने थोड़ा सा खंगाल कर डाल दी हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीले में सब्जियां वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना सब्जियां खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, तो जो भी चीला मैं बनाती हूँ ना सादा ही प्लेन बनाती हूँ। यहाँ पर पैन गरम हो गया है, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उससे बाद में क्लीन कर लेंगे, जिससे कि पैन अगर ज़्यादा गर्म हुआ रहेगा तो ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद फ्लेम को लो करने के बाद अच्छे से बैटर को फैला लेंगे और उसके बाद फ्लेम हाई कर देंगे। या फिर अगर आप चाहे तो ऊपर भी सब्जियां वगैरह रख सकते हैं, पनीर वगैरह जो भी खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ प्लेन खाते हैं इसीलिए मैंने प्लेन बनाई हूँ। और अगर मूंग दाल का चीला बनाना है तो नॉन स्टिक पैन या फिर डोसा पैन होगा ना उस पर ही बनाएं, क्योंकि बाकी दूसरे पैन पर ना ज़्यादा चिपकती हैं। और जिन लोगों ने पहले कभी बनाया नहीं है अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो नॉन स्टिक पर ही करें, क्योंकि फिर पूरा बैटर ख़राब हो जाएगा, बनेगा नहीं। तो जो मैंने पहले बनाई थी वो पतले पतली लेयर पे मैंने फैलाई थी तो वो अच्छा क्रिस्पी बनता है, लेकिन अगर सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो लेयर इसकी मोटी रखनी है और थोड़ा सा टाइम देना है, अच्छे से ये पक जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि इसे दोनों साइड से पलटी करके पकाए, एक साइड भी सेक लिए ना तो ये अच्छे से पक जाता है। तो ये वाला जो है ना सॉफ्ट रहेगा। जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी वो अच्छा क्रिस्पी था क्योंकि उसकी मैंने लेयर पतली लगाई थी। और मेरा व्लॉग देर होने का रीज़न ये है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना तो स्टैंड पे से मोबाइल ना नीचे गिर गया था। मोबाइल तो ऊपर से अच्छा था लेकिन अंदर से उसकी चार्जिंग पिन ख़राब हो गई थी। अब जब बैटरी डाउन हुई तो पूरी तरह से मोबाइल बंद हो गया, चालू ही नहीं हुआ। फिर वो बनने गया तो मोबाइल आया वेडनेसडे को। तो अब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, फिर आप लोगों को मिलेगी उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।